हेलो फ्रेंड्स, 21वीं सदी में सब कुछ बदल रहा है, कमाने के तरीके बदल रहे हैं। इसी बदलाव में आपका फायदा कराने आया हूँ, घर बैठे कमाने का तरीका बताने आया हूँ। जिस बारे में आज आपको बताने वाला हूँ उसका आज भी बहुत स्कोप है, उसका फ्यूचर में भी बहुत स्कोप है। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे जॉब सीकर हैं, या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन एक साइड में इनकम चाह रहे हैं, एक पार्ट टाइम इनकम चाह रहे हैं, या फिर आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो है जिसमें आप घर बैठे कमा सकते हैं। पूरी ट्रेनिंग आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, जिस दमदार कॉन्सेप्ट के बारे में आज आपको बताने वाला हूं उसे कहते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और हजारों कंपनियां अपनी मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी करवाती है। तो हम देखते हैं कि हम इसका फायदा कैसे ले सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि एफिलिएटेड मार्केटिंग होता क्या है। दोस्तों, एफिलिएटेड मार्केटिंग में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। ये है मर्चेंट, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं अमेजोन, और जो रहे आप यानी कि एफिलिएट। ये मर्चेंट अपने प्रोडक्ट्स आपके थ्रू कंज्यूमर को बेचती है। आप अलग अलग तरीके से लोगों को इन मर्चेंट्स के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, और जब ये लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपको कमीशन मिलता है, आपकी अर्निंग होती है। अब ये चेन पूरी कैसे काम करती है, कैसे लोग इससे लाखों कमा रहे हैं, कैसे आप इससे लाखों कमा सकते हैं, पूरी बात हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये आपकी करियर की बात है, कोई मजाक नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफिलिएटेड मार्केटिंग का स्कोप क्यों है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट करियर है। दोस्तों, 2020 में जो हमारे इंटरनेट यूजर्स की आबादी होगी वो होगी 65 करोड़। मतलब G7 कंट्रीज हैं। G7 मतलब दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमी। इन G7 कंट्रीज की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे इंटरनेट यूजर्स की होगी। मतलब कि हमारे इंटरनेट यूजर्स की आबादी इन 7 देशों की पूरी आबादी से ज़्यादा होगी। इतना ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में, इतना बड़ा स्कोप है फ्यूचर में। जैसे जैसे हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है, नेचुरल सी बात है, ई कॉमर्स बढ़ रहा है। ई कॉमर्स का 15-20% एफिलिएटेड मार्केटिंग के थ्रू होता है। मतलब 2016 में 700 करोड़ की जो इंडस्ट्री थी एफिलिएटेड मार्केटिंग की, वो 2021 में 6000 करोड़ की हो जाएगी। इतना बड़ा राइज आने वाला है। क्या आप इसका फायदा उठाने वाले हो या नहीं? तो दोस्तों, ये डाइंग बिजनेस नहीं, ग्रोइंग बिजनेस है। दुकानों पे मंदा चल रहा है, डिजिटल पे धंधा चल रहा है। दुकानें बंद हो रही है क्योंकि दुकानें डिजिटल शिफ्ट हो रही है। लोग दिमाग लड़ा रहे हैं, घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। आप इस पॉइंट को देखिए, इस ट्रेंड को देखिए, इस सर्वे को देखिए, इस रिसर्च को देखिए। जितने भी कंपनीज है वो एफिलिएटेड पे आ गई है। जितने भी रिटेलर्स है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ट्रेवल साइट, makemytree.com, yatra.com, Airbnb, हेल्थ साइट, बैंक साइट, इंश्योरेंस साइट, policybazaar.com, मैट्रिमोनियल साइट, अपनी शादी.com, जीवनसाथी.com, हर कंपनी एफिलिएटेड पे आ रही है क्योंकि इनको यहाँ पर स्कोप दिख रहा है, क्योंकि इनको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम लग रही है। इनका भी फायदा, आपका भी फायदा। 2018 में हर अच्छी कंपनी एफिलिएटेड पे आ चुकी है। 2019 में बहुत बड़ा दौर शुरू हो चुका है, हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 500 रुपये से लेके 5 लाख रुपए महीना लोग ऑलरेडी इससे कमा रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा। हरियाणा के कुलवंत नागिन जो अपने ब्लॉग जिसका नाम है ब्लॉकिंग केज, उसके एक लिंक के थ्रू लाखों कमा रहे हैं। दिल्ली के कुणाल चौधरी ये महीने के 10 से 15 लाख एफिलिएटेड के थ्रू कमा रहे हैं। इंडिया में से बहुत सारे नाम हैं जो घर बैठे एफिलिएटेड के थ्रू लाखों कमा रहे हैं। अब आप आज या तो इस मौके को गवा दोगे या तो खुद को बना लोगे। तो आइए, आपको करना क्या है। दोस्तों, पहली स्टेप की बात करता हूँ। स्टेप 1 है कैटेगरी चूज करना, चूज अ कैटेगरी। तो अगर होता 2012 तो मैं आपको बोलता कि आप कोई भी एफिलिएट ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट बेच लीजिए, चलेगा। मगर 2019 में हमें स्मार्टली मूव करना ज़रूरी है। आपको एक मैं टिप देता हूँ कि आप कोई भी एक कैटेगरी चूज कर लीजिए, इसे हम निश कहते हैं। निश का मतलब पूरा समुंदर नहीं, बस एक पोर्शन पकड़ना और उसमें एक्सपर्ट बनना। तो आप कोई भी एक कैटेगरी चूज कर लीजिए। कैटेगरी कोई भी हो सकती है, बुक्स रिलेटेड, फैशन रिलेटेड, फैशन भी बहुत सारी है, बैग्स हो गए, शूज हो गए, जैकेट्स हो गए, वॉचेस भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप्स, मोबाइल एप्स रिलेटेड, वेब ब्लॉगिंग रिलेटेड, वेब डेवलपिंग कंपनीज रिलेटेड, बहुत सारी है, बहुत सारी कैटेगरी है। आप कोई भी एक कैटेगरी चूज कर लीजिए।
आपको मैं एक टिप देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक कैटेगरी के बेस्ट सेलर देख सकते हो, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है। तो स्टेप वन है कोई भी एक कैटेगरी अपने लिए चूज करना, जनरल नहीं चलना, निश पकड़नी है। तो दोस्तों स्टेप टू है खुद को एज एन एफिलिएट रजिस्टर्ड करना, रजिस्टर्ड एज एन एफिलिएट। आपको जिस भी साइट की एफिलिएटेड मार्केटिंग करनी है, आपको जिस भी साइट की एफिलिएटेड मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट बेचने हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जो भी साइट, आपको इनकी साइट पर एक लिंक मिलेगा रजिस्टर्ड एज एन एफिलिएट और बिकम एफिलिएट। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आप यहाँ से अपने आप को एज एन एफिलिएट मार्केटर रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप एफिलिएट नेटवर्क पर भी रजिस्टर्ड कर सकते हो। एफिलिएट नेटवर्क क्या है? एक टाइप का शॉपिंग मॉल है जहाँ पर आपको सारे मर्चेंट मिल जाएंगे, आपको अलग अलग जगह रजिस्टर्ड नहीं करना पड़ेगा, सारे मर्चेंट इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। इंडिया में कहीं लीडिंग एफिलिएट नेटवर्क है जैसे कि वी कमीशन, ऑप्टिमाइज, क्यू लिंक्स। जब आप इसके एफिलिएट मार्केटर बन जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है लिंक जनरेट करने की, किसी भी प्रोडक्ट की लिंक जनरेट करने की। इसी लिंक से आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इसी लिंक से आप पैसे कमाते हैं। सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, सब कुछ ट्रैक होता है। इनफैक्ट अमेजोन पे कोई बंदा आपके थ्रू आया मगर उसने परचेस नहीं किया, मगर विथ इन 24 आवर्स उसने कुछ भी उस साइट से परचेस किया तो उसका कमीशन भी आपको आता है। अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेचना कैसे है। कैटेगरी चूज कर ली, एफिलिएट रजिस्टर्ड हो गए, असली बात बेचना कैसे है। अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं। तरीका हो सकता है सोशल मीडिया, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn के पोस्ट के थ्रू, Twitter के थ्रू। तरीका हो सकता है अपनी साइट बनाना, उस पर ब्लॉग लिखना। तरीका हो सकता है SMS या WhatsApp के थ्रू अपनी बात, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी वेबसाइट ज़रूर बनाइए। जो आपकी वेबसाइट है वो आपकी मेन चीज़ होगी। वेबसाइट बनाना कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे हज़ारों ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट को ज़रूर बनाइए, आपकी आपकी वेबसाइट आपकी मेन चीज़ होगी। आप अपनी वेबसाइट से अपने सोशल मीडिया से लिंक कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट से ईमेल की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट से व्हाट्सअप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जो आपकी वेबसाइट रहेगी वो आपकी मेन चीज़ रहेगी। जितने मेजरली जितने भी ब्लॉगर्स है सब यही तरीका यूज़ करते हैं, सबसे सक्सेसफुल तरीका। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो लोग कैसे काम कर रहे हैं। ये साइट देखो shavarguru.com, निश के ऊपर काम किया, शेवर की सेगमेंट पकड़ी, हर तरह के शेवर का रिव्यू है, हर तरह के शेवर का कंपैरिजन है, हर शेवर की डिटेल्स है। कोई एक शेवर को क्लिक करो और देखो बाय नाउ का लिंक है। अब इंटरनेट पर शेवर रिलेटेड कुछ भी सर्च करो तो ये साइट आ जाती है। लोग यहीं से रिव्यू पढ़ते हैं, बाय नाउ से अमेजोन पर जाते हैं और इस शेवर की वैल्यू से 10% 15% उसका जिसका ये ब्लॉग है। कोई लाइव एग्जांपल देखते हैं, मैं सर्च करता हूँ लेटेस्ट फोन अंडर 10,000 इन इंडिया। अब ये साइट आती है, अब इसमें लिखा हुआ है कौन कौन से बेस्ट फ़ोन है अंडर 10,000 इंडिया में। आप फ़ोन के फीचर्स पढ़ो, स्पेसिफिकेशन पढ़ो, इन्फॉर्मेशन पढ़ो, साथ में कॉस्ट है और बाय नाउ का लिंक है। ऐसी चल रही है एफिलिएटेड मार्केटिंग। अगर आपको साइट नहीं बनानी है तो आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं। YouTube पे सर्च करते हैं कंपेयर वॉचेस हिंदी, ये पहली वीडियो आई है, इसे क्लिक करते हैं। वीडियो के अंदर रिव्यू है, कंपैरिजन है और नीचे दोनों लिंक्स हैं। आप जो भी, आपको जो भी घड़ी अच्छी लगी आप यहां से ख़रीद सकते हैं। ऐसे ही फेसबुक पर भी हज़ारों एग्जांपल है। ये पेज देखिए, रनिंग शूज़ गुरु, कैटेगरी पकड़ी है, निश पकड़ी है, जनरल कैटेगरी नहीं पकड़ी। ये फेसबुक पर बहुत एक्टिव है, शूज़ के अपडेट डालते रहते हैं। आप डिटेल्स के लिए इनकी साइट पर जाते हो, वहाँ पर बाय का लिंक है, ये भी एफिलिएटेड मार्केटिंग है। किस लेवल पर कितने तरीक़ों से एफिलिएटेड मार्केटिंग हो रही है,
तो देखिए कितने तरीकों से एफिलिएटेड मार्केटिंग हो रही है, कितना स्कोप है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक चीज़ याद रखनी है कि आपको उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में लोगों को रिकमेंड करना है जिस पर आपको विश्वास है। अगर प्रोडक्ट सही नहीं है और आप लोगों को प्रॉफिट के चक्कर में, पैसे के चक्कर में वो लोगों को बता रहे हैं, तो ये गलत है। किसी का नुकसान करके आप फ़ायदे में नहीं रह सकते। आप याद रखिए कि बिजनेस पैसे से नहीं चलता, विश्वास से चलता है। ना दुकान खड़ी करनी है, ना दुकान पर बैठना है, ना हट्टी का टेंशन, ना गल्ले का टेंशन। आप बैठकर लिंक लगा रहे हैं, आप बैठकर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बना कोई और रहा है, बेच कोई और रहा है, सप्लाई कोई और कर रहा है, आप एफिलिएटेड मार्केटिंग, एक बीच का लिंक, 10-15% हर प्रोडक्ट पर अपना कमीशन ले रहे हैं। एक बात और, आसान है, आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक चीज़ समझना है और होता जाएगा, और आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि डे वन पे आपने ब्लॉग डाला और लाखों लोग आपके ब्लॉग पर आ गए। तो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे आप लोगों तक पहुंचेंगे। अच्छी चीज़ बताओगे, अच्छा लिखोगे, अच्छा सुनाओगे, अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँचाओगे, तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, आपको आगे रिकमेंड करते जाएंगे। आपका आपकी ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बनता जाएगा, आपकी लॉयल ऑडियंस क्रिएट होते जाएगी। उसके बाद आपको उनकी हेल्प करनी है। बेसिक पर्पस क्या है? बिजनेस इज हेल्पिंग, क्योंकि बिजनेस विश्वास से चलता है, पैसों पे नहीं चलता। तो वीडियो कैसी लगी? काम की लगी तो ज़रूर शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जब भी आप एफिलिएट पे ग्रो करना शुरू करें तो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आपके मेल्स पढ़ना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।